रुक रुक। एक बात सच सच बता मुझे, मेरी जानकारी के बाहर तुझे कोई बच्चा है? क्या बोला? बच्चा बच्चा, तू खा गीता की सौगंध। अब तक तो रोज थी, ये गीता कहां से आ गई? गीता ये गीता, इस पे हाथ रख के बोल कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ओ, 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 ये कोई कोर्ट नहीं है। जो समझना है समझ, तू मुझे बता, तुझे कोई बच्चा है? जनार्दन नाम का कोई बच्चा है तुझे? ये नया पैंतरा उस चुड़ैल ने फेंका है क्या? मेरे सवाल पे सवाल मत कर गौरव, मुझे जवाब दे इसका। तो जब वो भक रही थी, उसकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ी? मेरे ही सर पे हथौड़ा क्यों ठोक रहे हो? मैंने पूछा उसे गौरव, तो उसने मुझे बताया कि तूने उसे धोखे से बचा दिया है। और शक मुझे तब हुआ जब मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, बिल्कुल तेरे जैसी थी। जब तू छोटा था तब कैसे रोता था वैसी? अब बता सच है कि नहीं है? मेरी कुंडली देखी है कभी? हाँ, क्या उसमें लिखा है कि मैं किसी लड़की का खून करने वाला हूं? नहीं। अब देखना, मैं कुंडली बदलने वाला हूं, जहर देके उसे आपके कदमों पे फेंकूंगा, और दम तोड़ने से पहले अगर उसने सच नहीं बोला तो मेरी नाक काट लेना। तुमने बंदर के पूंछ में आग लगने वाली कहानी सुनी है? हाँ। थोड़ा मूड होगी तो देख पाओगे। पापू, कोई कुरियर आया था? किसने बताया तुझे? उसी भटकती आत्मा ने। कल पार्क क्यों गया था तू? तेरा बाप और मातुर कहां रास्ता भटक गए ये देखने? और उस दिन कौन से रंग की कमीज पहनी थी तूने? सफेद। हाँ, वो तो तेरे चेहरे का रंग है अभी। कमीज काली थी, तेरे करतूत जैसी। ओहो, रंगों की होली बाद में खेलना, पहले कुरिया दो। तो तू रोज को नहीं जानता है? नहीं नहीं, तूने शादी का वचन भी नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं। उसके बच्चे का बाप भी नहीं। कुरियर आया कि नहीं? बेटे, अगर झूठ बोलना है ना तो खरगोश जैसा झूठ बोलने का, मासूम और हाथ में नहीं आने वाला, जैसे मैं बोलता हूँ। ये कौचुगिरी नहीं करने का कि मुर्गी चुराई कसाई से और खबर फैलाई डकार से। देख ये क्या? ये तो अपने पति का इंतजार कर रही थी। चुप साले, गीता की कसम खाई थी तूने? नाक कटाने वाला था ना अपनी? कहा है छोरी, कहा है? अरे मैं मर गया था? अरे मुझे बताता, मैं संभाल लेता। ये क्या है? उसके चरणों में लिपट गया है तू? बापू, मैं गिर गया था। बहुत बहुत गिर गया तू बेटे। बाप नठारा निखट्टू और तू दूध से धुला हुआ। बापू, मैं बता रहा हूँ, ये फोटो जो झूठी है, कंप्यूटर में बनाई होगी। साला तेरी जबानी की जापनी पंखा है, हिलाते ही जा रहा है। उठाओ, उससे कहा था दोबारा फोन करेगी। हेलो। हाय गौरव, मैं हूँ। बेबी फूड बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अरे तो जहर खिला दो कमीनी, सिग्नल पे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ये तुम सब अकेली नहीं कर सकती, तुम्हारी टीम है। बता कौन है तेरे पीछे, बोल। ये क्या हो गया आपको? अरे ढक्कन खुल गया मेरा अभी, बता तेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरे पीछे कौन है ये बता अभी। गौरव, मेरे पीछे मन्नू है। तो साला कुत्ता। मन्नू, मन्नू। हाँ, क्या हुआ? मार डालूंगा साले, तू मरेगा। मार डालूंगा तुझे, हराम खोर। मेरे ही कंधे में बैठ के मेरा ही काट काटता है। अरे रुक। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? आओ गौरव। अरे सच सच बताओ, ये रोज कौन है? कौन रोज नहीं बताएगा? कहाँ से लाया सड़क की भिखारे से? थोड़ा पड़ा है तुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा है तू? झूठ साला, उसने खुद बताया, उसके पीछे तू है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सच बोल।
बताया मुझे। वो मैंने बताया था आपको। तुम्हें कैसे पता? एक ही गैंग के हो क्या दोनों? मैं मेरा क्या? आप ही जोर दे के पूछ रहे थे तेरे पीछे कौन है, तेरे पीछे कौन है। क्या घर पे फोन तुमने किया था? हाँ फोन मैंने किया था बेबी फूड के लिए, और आप तो बस बरस पड़े। और हाँ, आप रोज की बात कर रहे हो ना, उसने एक खत भेजा है आपके लिए, वहाँ पर रखा है। मर, मर। कहाँ है? जवाब चाहिए ना, अभी देता हूँ। मनु को कैबिन में भेजना। आजा रे, आजा आजा। चल माफ कर दो। पहले कुत्ते की मौत मारो, फिर चंदन में घी डाल के जलाओ। अरे छोड़ ना यार, गलत फहमी हो गई थी। ऐसा होता है यार दोस्ती यारी में। चल दो चार गाली दे। क्यों, किसे? बोलना यार, कुछ काम है। अभी? हाँ, और इतनी गंदी गंदी गालियां कि सुनने वाला उल्टी करता रहे। कान ला इसके। अंदर करते हैं। नहीं है? नहीं। तुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है? हर गाली एक ही स्टैंडर्ड की होती है। अभी तुझे एक और काम करना होगा मेरे लिए। ये जो खत मैं लिखने वाला हूं, तुझे उसे इस एड्रेस पे पहुंचाना होगा, और वहां से जवाब चाहिए मुझे। थोड़ी देर रुकने के लिए बोलेंगे ना, तो रुको, लेकिन जवाब चाहिए मुझे। हाँ ठीक है। अरे ये तो शॉप की छोटी लमलक की गोली है। पता, हाँ यही। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? नमस्कार। हाँ जी। चिट्ठी है आपके लिए। लगता है गौरव ने भेजा है। जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए, इसके बगैर मैं पेन नहीं लाऊंगा। दो मिनट रुकिए, हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या खूब ना मदारियां डमरू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। अब तू देख कैसे मैं उसे चने खिलाती हूँ। नाम क्या है? कौन है बे अकल का पुतला, काट का उल्लू, जबान का कीड़ा है? नमस्ते साहब। जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्र लिखता है, वो भी शरीफ औरतों को? यही है वो बदमाश, और ये रही चिट्ठी। मैं इश साले चींटी के चचेरे भाई, औकात भूल गया, ऊंट की गर्दन खुजाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दूँ? पकड़ो बोने को। बाप रे बाप, लगता है पानी नाक तक चढ़ा है। हाँ तो आने देना, देखते हैं डमरू की जान कब निकलती है। चलो चलो। हेलो गौरव। मैं भवानी भागमार, पुलिस थाने से। अब क्या हुआ? फौरन चले आओ, अभी के अभी। कोई प्रॉब्लम है? अरे बोला ना, अभी के अभी बस। ये टपका तो समझ, तू भी टपका, यहां से तेरी लाश जाएगी लाश, समझा क्या? हाँ,
तू ये यहाँ कैसे आया? ओ, तो तुम इसे जानते हो? नहीं मेरा मतलब हाँ ये मेरे शॉपिंग मॉल में काम करता है। हुआ क्या दीदी? हुआ क्या, तुझे पता है इस लिच्चन ने कितना घिनौना काम किया है? शरीफ घर की औरतों को गंदी गंदी गालियों भरी चिट्ठी दी है इसने, कामजार कमीना। अबे झुका रहे, हिलना नहीं। अच्छा, और इतनी मोटी मोटी गंदी गालियां के बोलने में पुलिस तक शर्मा जाए, और जब मैंने पूछा तो कुत्ता बोलता है चिट्ठी बॉस ने दी थी। मैंने कब? तुमने गटर बंद कर, चुप चुप, गद्दे के कपास की तरह धुन दो तुझे यहीं पर। दीदी दीदी एक मिनट खड़े रहा वहीं पर। एक सच बात बोलूं, असल में इसको एक बीमारी है। तो जन्म घुट्टी पिला दूं, दो घूंट मुंह के अंदर और जान पीछे के नीचे से बाहर। इधर आ, एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तेरा पड़ोसी, तेरा बावर्ची, तेरा नौकर सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या है? नहीं, दरअसल इसकी माँ पड़ोसी के साथ भाग गई थी, तब से इसका ये हाल है। मेरी तेरी माँ की बात ना करे वरना जबान खींचकर बाहर फेंक दूंगी। हाँ। दीदी प्लीज, ये बेचारा कुछ समय तक पागलखाने में था, हम स्कूल में साथ थे इसलिए काम पे रख दिया, वरना आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं। हिले, अगर मैंने सुना ना कि तूने औरत क्या औरत के पुतले की तरफ भी आंख उठाकर देखा है ना, तो मैं तेरी आंखों में सुलाखें घुसा दूंगी। निकल ले। अरे बेवकूफ, मेरी इज्जत का फलूदा बनाया तूने। मैंने, तुमने जो खत के ऊपर पता लिखा था ठीक वही जगह पे गया था मैं। और खत के ऊपर मैंने फुटबॉल जैसे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा था रोज। अरे खत देने से पहले पूछना तो चाहिए था कि वो रोज है या कोई चमेली। नहीं। अरे तू जैसे बेवकूफ को भेजने के लिए मेरे मुंह पे चप्पल मार।